स्टोरी बताता हूँ। जब मुझे मैसेज आया, आई गेस 3 मंथ्स अगो मुझे मैसेज आया, मैं एकदम हैरान हो गया था कि क्या मैं घूस पर, मैंने कितने टीवी शोज करे, कितना मोटिवेशनल स्पीचेस दिए, आई एम अ मोटिवेशनल स्पीकर लक्ष्य सो दिस साइड, तो बहुत इवेंट करे हैं, बहुत शोज करे हैं, लेकिन कभी भी ऐसे हाथ नहीं कांपे, कभी भी ऐसे ऊपर आते हुए इतना गर्व, इतना प्राउड फील नहीं हुआ जितना आज हुआ इस स्टेज पर आकर। तो पता नहीं मैंने पिछले जन्म में ऐसा क्या काम करा था जो मैं इसका आज पार्ट हूँ। थैंक यू वेरी मच। अब वी लिव इन अ सोसाइटी वेयर वीमेन्स आर टोल्ड नॉट टू गेट रेप इंस्टेड ऑफ टेलिंग मैन नॉट टू रेप। हम ऐसी सोसाइटी के अंदर रहते हैं, ऐसी नेशन के अंदर रहते हैं जहाँ पे लड़कियों को बोला जाता है सावधान, कहीं तुम्हारा रेप ना हो जाए, जबकि लड़कों को बोलना चाहिए देख के किसी का रेप मत कर दो। निर्भया केस हुआ था, सीफा केस हुआ, कितने केस हुए, कितने तो ऑन पेपर्स नहीं आए, पुलिस ऑफिसर्स के पास नहीं गए, कितने केस हुए, लोगों ने व्हाट्सएप डीपी चेंज करी, फेसबुक पे स्टेटस डाले, कैंडल मार्च करी, बहुत कुछ करा, लेकिन पता है जब जिस पर बीतती है ना उसको पता होता क्या होता है। तो थैंक यू सो मच निर्भया के फैमिली मेम्बर्स जितने भी यहाँ पर आए हैं, आपसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैंने सुना में कहीं नहीं, अभी भी हाथ कांप रहे हैं मेरे आपको देखते हुए, आपसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं देखा मैंने कभी भी किसी को। तो थैंक यू सो मच। निर्भया का केस हुआ था, सीफा का केस हुआ, एक हफ्ता सबने व्हाट्सएप डीपी चेंज करी, सब प्रोटेस्ट करने गए, सबने कैंडल मार्च करा, सबने बहुत कुछ करा, डोनेशन करी, कितना कुछ करा, लेकिन अगले हफ्ते किसी को पता नहीं इंसाफ मिला नहीं मिला, किसी को नहीं पता। वो जो न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स आए थे ना कि निर्भया का केस हुआ, सीफा का केस हुआ, अगले हफ्ते वही उसी न्यूज़पेपर के समोसे पैक हो रहे थे, उसी न्यूज़पेपर में जलेबियां पैक हो रही थी अगले हफ्ते। यहाँ पर 3 दिन का नाटक है, 3 दिन का, लास्ट में उसको ही फील होता है जिसकी फैमिली मेंबर के साथ ये चीज हुई है, लोग सपोर्ट करेंगे तब, अभी कोई कोई सपोर्ट नहीं कर रहा, सारे आ रहे जा रहे, सारे कोई सपोर्ट नहीं कर रहा, लोग सपोर्ट करेंगे जब उसकी बहन के साथ ये चीज हो, भगवान ना करे कभी भी किसी की बहन के साथ हो, किसी की मास्क के साथ हो, लोग तब सपोर्ट करेंगे, तब लोग आएंगे हाथ जोड़ेंगे प्लीज सपोर्ट कर दो, तब कोई एक बंदा खड़ा नहीं होगा, क्यों, क्योंकि तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। यहाँ पर मैं अभी गारंटी लेकर कह रहा हूँ, कोई लड़की परफॉर्म कर रही होती, कोई भी टैलेंटेड एंटरटेनमेंट चीज होती ना, जितनी यहाँ पे भीड़ है ना उससे काफी ज्यादा भीड़ होती, पीछे लाइन लगी होती, सीट्स फुल होती, कितने लोग देख रहे होते, लेकिन नहीं, यहाँ पर सोशल कॉज हो रहा है, क्योंकि अपना कुछ जाता नहीं, अपने पे जब बात आएगी तब हम खड़े होंगे, हमारी बहन का सेफ है, घर में बैठी है, खाना वाना बना रही है, सब ठीक है, लेकिन सबकी बहन घर से बाहर निकलती है, सबकी निकलती है, कल को क्या हो जाए किसी को नहीं पता। तो वक्त आने से पहले सपोर्ट कर लो, ऐसा सबसे हाथ जोड़ के कहूंगा, आप लोग सपोर्ट करो, लेकिन जितने भी वॉक पर हैं, जितने भी जा रहे हैं, तो थैंक यू सो मच। आप लोगों को बोलूंगा, मेरे को खुद नहीं पता मैं अभी क्या बोल रहा हूँ क्या नहीं बोल रहा, लेकिन जो भी बोल रहा हूँ ना मैं दिल से बोल रहा हूँ, जो दिमाग के अंदर आ रहा है मुँह पे बोल रहा हूँ, तो अगर मैंने हल्का सा भी कुछ गलत बोला हो तो माफी है। और ये ऑर्गेनाइजेशन है, 14 से 25 ईयर्स के लोग इसके अंदर जुड़े हुए हैं, 23 ईयर्स ओल्ड है पीके सर, लेजेंड, क्या बोलूँ मैं उनको, मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा, उन्होंने ये मिशन स्टार्ट करा और उन्होंने मैसेज करा, तो थैंक यू सो मच मेरे को इस चीज़ का पार्ट बनाने के लिए। 23 ईयर्स ओल्ड का भी देखोगे ना, लड़का कहाँ पर होगा, जॉब कर रहा होगा, घर वालों को प्राउड फील करवा रहा होगा, या ओयो में बैठा होगा कोई रूम बुक करके अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, या कोई झाड़ी के पीछे लगा होगा, या हुक्का हुक्का कर रहा होगा, कहते कहते सिगरेट विगरेट ड्रिंक ड्रिंक कर रहा होगा 23 ईयर ओल्ड, ऐसा नॉर्मली है करते हैं, लेकिन इस बंदे में क्या खास बात है मुझे नहीं पता, इस बंदा इतना पागल है इस मिशन को रिलेटेड कि नहीं ये चीज करना ही करना, और ये 30,000 किलोमीटर जितने भी जा रहे हैं, मेरे पास वर्ड्स नहीं है आपके लिए, वर्ड्स नहीं है बोलने के लिए कि क्या बोला जाए, बट एक चीज है, थैंक यू सो मच। और सारी की सारी नेशन लोग नहीं जुड़ रहे अभी, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने खुद देखा जब आपने स्टार्ट करा था खड़े होते थे भूखे हाथ में पोस्टर लिए, अभी कुछ हुआ था सीन, आप प्रोटेस्ट कर रहे थे, कह रहे थे कि लड़कियों को ना छेड़ो, और आपको ही लड़कियों को आके ही लोग छेड़ रहे थे, ऐसा कुछ सुनना था मैंने, फिर भी आप डिमोटिवेट नहीं हुए, फिर भी आपने गिव अप नहीं करा, कितने लोग आके बोले अरे तो चलता रहेगा, कितने लोगों ने बोला कि नहीं ऐसा पेज बनाने से क्या होता है, इवन मेरे भी दिमाग में एक थॉट आया था कि अकेला बंदा कितना कुछ कर लेगा, आज अकेले बंदे की वजह से ये सब कुछ है, तो राउंड ऑफ अप्लॉज इस अकेले बंदे की वजह से, पीके की वजह से, थैंक यू वेरी मच फॉर इन्वाइटिंग मी, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा यहाँ पर आके, और टुगेदर वी कैन से नो टू नो, एंड थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी वेरी मच। आज नहीं कल एक दिन आएगा जब सबकी थिंकिंग चेंज होगी, और ये जो रेप हो रहा है ना, रेप होता है ना तो किसी लड़की का नहीं होता रेप, उसकी पूरी फैमिली का होता है, पूरी उसकी इंसानियत का होता है रेप,
पूरा इंसानियत का रेप होता है, कभी लड़की का रेप नहीं होता। ये कोई लड़की का रेप होगा कोई न्यूज आएगी ना तो देखना, लड़की का रेप नहीं होता, रेप होता है इंसानियत का। थैंक यू वेरी मच। किसी एक बंदे की भी सोच अगर यहाँ पे बैठ के बदलेगी ना कि लड़कियों को वैसी नजर से देखना नहीं है, वैसा कुछ नहीं करना, तो हमारा मिशन अभी से सक्सेसफुल होना स्टार्ट हो गया। थैंक यू वेरी मच। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।